दो मंदिरों को धमकी भरे पत्र भेजने का मामला सामने आया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग भी दिखाई दिए। पुलिस कई जगहों की सीसीटीवी फुटेज कंगाल रही है। कुछ फुटेज में पुलिस को संदिग्ध भी नजर आए। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। वहीं धमकी भरा पत्र आने के बाद मन कामेश्वर मंदिर की महंत देविया गिरी ने शासन को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। अनुभव शुक्ला फोनलाइन पर है। अनुभव, इस पूरे मामले पर प्रकाश डालें। देखिए, बिल्कुल चार दिन पहले जिस तरीके से लगातार लखनऊ के दो जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर धमकी भरे पत्र भेजे गए और साफ तौर पर उसमें लिखा था कि मंदिर को उड़ा देंगे और कुछ और भी बातें उसमें लिखी थी। साफ तौर पर ये मांग की गई थी कि जो जो जिहादी गिरफ्तार हुए, जो मुजाहिद गिरफ्तार हुए हैं लखनऊ से, उनको 14 अगस्त से पहले छोड़ा जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो बम छुड़ा देंगे दोनों मंदिरों को। लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आसपास का इलाका है, एक तो वो जहाँ घर से ये पत्र भेजे गए थे वहाँ जो सीसीटीवी लगे हुए थे उन सारी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और कुछ जगहों पर कुछ फुटेज में उन्हें संदिग्ध नजर आए हैं। कुछ लोगों को पहले ही इरादे में पुलिस ने दिया हुआ है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अब जो फुटेज मिले जहाँ पर कुछ गतिविधियाँ कुछ लोग संदिग्ध लग रहे हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने ये पत्र लिखे। और इतने ही महान दिव्या की जो ममता मुश्र मंदिर के महंत है, उन्होंने तो शासन को पत्र लिखा है कि धमकी भरा पत्र मंदिर को उड़ाने का मिला है और ऐसे में उनकी जान को खतरा है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुभव, आगरा में कंपनी पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। जी हाँ, गड्ढे और लीकेज की मरम्मत ना करने पर यह कार्रवाई हुई है। कमिश्नर के आदेश के बाद कंपनी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। दयालबाग में गड्ढे और लीकेज सही न करने पर एक्शन लिया गया। मंडलायुक्त ने जल निगम और नगर निगम के अफसरों पर नाराजगी जाहिर की। आगरा में वीएटेक बबाग कंपनी पर यह एफआईआर होगी और 40 लाख का जुर्माना भी लगा। कमिश्नर अमित गुप्ता ने दयालबाग में गड्ढे और लीकेज की मरम्मत न करने पर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नितिन उपाध्याय फोनलाइन पर। नितिन, पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी हाल ही में आगरा में लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और उसकी वजह से पूरी तरह से कमीशनखोरी और लापरवाही का जो आलम रहा है, जो सड़कों पर गड्ढे रहे हैं उसका कहीं ना कहीं पोल खोल कर रखती है। कई सारे ऐसे इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। 2 महीने पहले जो सड़क बनी है उसमें 100 मीटर के दरमियान ही दर्जनों गड्ढे देखे गए और इसको लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। एक व्यक्ति की जो क्रेटा गाड़ी है वो उसी गड्ढे में पूरी तरह से समाते हुए नजर आई, वो बाल बाल बचा था। इसको लेकर अमित गुप्ता ने जांच बिठा दी है। ये जो बवा कंपनी है, बीए टेक बवा कंपनी, जिसका काम पूरे शहर की सीवर व्यवस्था को देखभाल करना है और उसकी जो लापरवाही निकल के आई है इसके लिए एफआईआर के आदेश हैं इसके साथ ही और 40 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही निखिल पुंडे जो नगरायुक्त हैं उनको कहा है कि वो शासन को लिखें इस कंपनी की जो लापरवाही है और जो कारगुजारियां हैं फिर शासन को लिखें ताकि आगरा से जो करार है आगरा प्रशासन का वो करार खत्म हो। कुल मिला के इसमें जितने भी बड़े जो बवा कंपनी के वो अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और ताकि ऐसे लोगों के लिए सबक है जो केवल और केवल जनता का जो गाड़ी कमाई का जो पैसा जाता है वो जेबों में भर रहे हैं तमाम कंपनी के नाम पर और लोग परेशान हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।